सुस्वागतम नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम सलाम प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में आपकी खिदमत में श्री नारायण उपस्थित हो गया है लेकर आज के दिन विशेष जो है 10 नवंबर के। जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें सुविचार और आज का प्रश्न, आज का सवाल, जिसका जवाब अंत में होगा और ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, सब कुछ एक ही पैकेज में है। तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहन और भाइयों। तो शुरू करते हैं आज के इस दिन विशेष को। सबसे पहले आज के दो सुविचार, बहुत ही बढ़िया सुविचार है। पहला सुविचार है कि सपनों को अपने सांसों में रखो, मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर एक चीज़ आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही बढ़िया। फिर एक बार आज का ये सुविचार, सपनों को अपने सांसों में रखो, मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर एक चीज़ आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। दूसरा सुविचार, दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, बस जिंदगी आसान हो जाएगी। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख, है ना, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो भाई ये हुए आज के दो सुविचार। अब आज का सवाल, जी सवाल एक जानकारी भरा है भाई आज का सवाल। सवाल ये है कि पृथ्वी की तुलना में सूरज कितना बड़ा है। जी हाँ बहनों भाइयों, आपको मालूम है पृथ्वी की तुलना में सूरज कितना बड़ा है? तो ढूंढिए, सोचिए सोचिए, और अगर सवाल का जवाब ना मिला तो मैं हूँ ना, अंत में आपको इसका जवाब दे दूंगा। जी हाँ बहनों भाइयों, तो अब आज के दिन विशेष शुरू करते हैं। आज परिवहन दिन है, राष्ट्रीय परिवहन दिन है, और आज शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिन है। तो भाई आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष जो है 10 नवंबर के। और 10 नवंबर की ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के पास अफजल खान का वध किया था। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता बंदर स्थानिक राजाओं से खरीदा था। 1990 में चंद्रशेखर भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। 1960 में नाग विदर्भ आंदोलन के आदेशानुसार नागपुर में हड़ताल हुई। 1983 में बिल गेट्स ने विंडोज़ 1.0 प्रकाशित किया। 1999 में मध्य प्रदेश का तानसेन पुरस्कार पंडित C.R. व्यास जी को उनके बहुमूल्य कार्य के लिए घोषित हुआ। 2001 में ज्येष्ठ अनुशास्त्री और अनुऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर चिदंबरम केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने। 1989 में जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिराने का कार्य शुरू हुआ। 1997 चीन रशिया के बीच घोषणा पत्र करार के अनुसार सीमा विवाद खत्म हुआ। 2008 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर कप, ये जो बॉर्डर गावस्कर नाम का कप है, ये 2-0 से जीता। 2004 में झेंग झोऊ चीन का सबसे 8वां प्राचीन शहर बना। 1951 में अमेरिका में डायरेक्ट डायलिंग फोन सेवा शुरू हुई। 1995 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। 2000 में गंगा मेकांग संपर्क परियोजना का कार्य शुरू हुआ। 2002 में
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से पहला एशेज टेस्ट जीता। तो ये हुए भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन 10 नवंबर के ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन ल्यूथर, इनका जन्म 1483 में हुआ था। फ्लश शौचालय के निर्माता जॉर्ज जेनिंग्स 1810 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक। राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ बैनर्जी 1848 ब्रिटिश निसर्गशास्त्री फ्रांसिस बालफोर 1851 मराठी लेखिका समीक्षक कुसुमावती देशपांडे 1904 AK-47 राइफल के निर्माता मिखाइल कलाश्निकोव 1919 अभिनेता रिचर्ड बर्टन 1925 किर्गिस्तान के पहले अध्यक्ष असगर अकयेव 1944 लेखिका सानिया तथा सुनंदा बलरामन 1952 अभिनेता आशुतोष राणा 1967 अमेरिका के गीतकार और संगीतकार जॉनी मार्क्स 1909 मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी 1920 डायरेक्टर एक्टर और प्रोड्यूसर राज बिसारिया 1935 पॉलिटिशियन सुंदरलाल खुराना 1918 पॉलिटिशियन बबनराव ढाकने 1937 महिला क्रिकेट खिलाड़ी सुलक्षणा नाईक 1978 महिला क्रिकेट खिलाड़ी मुग्धा जोशी 1993 और गायक दयाल ठाकुर 1952 52। तो ये हुए आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन। तुर्कस्तान के पहले राष्ट्राध्यक्ष मुस्तफा कमाल अतातुर्क 1938 रशिया के कम्युनिस्ट पार्टी के सरचिटनीस लियोनिद ब्रेजनेव 1982 गायिका मानिक वर्मा 1996 जिम्बाब्वे के पहले अध्यक्ष कन्नान बनान 2003 अभिनेत्री सिंपल कपाड़िया 2009 लेखक विजयदान देठा 2013 स्वतंत्रता सेनानी कन्हैयालाल दत्त 1908 हिंदी साहित्यिक गंगा प्रसाद अग्निहोत्री 1931 भोपाल के शायर फजल ताबिश 1995 उर्दू शायर फारूक कैसर 1987 प्राचीन साहित्यिक लेखक लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर, ये मराठी हैं, 1941 में इनकी मृत्यु हुई। भारतीय ब्रिटिश शिक्षा तज्ञ स्प्रिंगडेल्स स्कूल के संस्थापिका रजनी कुमार, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2022 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। अब आज का सवाल जिसका जवाब बाकी है, तो बताइए भाई पृथ्वी के तुलना में सूरज कितना बड़ा है? तो भाई 109 गुना ये पृथ्वी की तुलना में बड़ा है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास तकरीबन 13,90,000 किलोमीटर इतना है, है ना, 13,90,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी से 109 गुना तकरीबन बड़ा हो जाता है। तो भाई अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिएगा, है ना, और भरपूर जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए भाई आज की जानकारी और आज का दिन विशेष कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें भाई, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ एक उंगली का काम मेरे लिए कीजिए। तो चलिए अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम।